बैठक। अब खबरें विस्तार से। आईजी डीआईजी एसपी के निर्देशानुसार एसडीओपी कमल कुमार जैन के मार्गदर्शन में नौगांव थाना प्रभारी के खनेजा ने पुलिस बल के साथ एक साथ किए 3 खुलासे। रविवार की रात्रि में समोसे के विवाद में युवक की हत्या के चारों आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा जेल। वहीं बीते दिनों ग्राम सिंह रावण कला में अवैध शराब का व्यापार करते शराब पकड़ी गई थी, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, तो वही दूसरा आरोपी विजय यादव, जिस पर अवैध शराब सहित 2008 से लेकर अभी तक 1 दर्जन मामले दर्ज थे, जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गांव से ही गिरफ्तार किया। तीसरा मामला 6 माह पूर्व ग्राम सुकुवा में एक खेत के कुएं से टुल्लू पंप चोरी करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी पहलवान सिंह निवासी सुकुवा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। अपराधी को पकड़ा गया जो शराब के अवैध व्यापार में भी लिप्त था, क्या पूरा मामला है? ये कल मुखबिर की सूचना के आधार पे जो हमारे माननीय एसपी साहब द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत गुंडों की के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें कल मुखबिर की सूचना के आधार पर से पुलिस फोर्स वहाँ सिंह रावण गाँव पहुँचा। वहाँ विजय यादव पूर्व बिर्क जो 34-2 के अपराध में फरार था, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। इसकी पूर्व में जिला बदल की कार्रवाई भी की जा रही, उसके तहत इसको कल गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संगठन की एकता और कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से ही पार्टी आज केंद्र से लेकर प्रदेश में सत्ता पर काबिज है। यह बात जतारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक ने भाजपा कार्यालय में पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही है, तथा उन्होंने यह भी कहा है कि कार्यकर्ता ही संगठन और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, जिससे पार्टी संगठन को मजबूती मिल सके। कार्य समिति के सदस्य भी इसमें बनाना है, तो कार्य समिति के सदस्य बहुत हमें उपयोगी होते हैं, लेकिन हर आदमी पद तो नहीं मिल सकता, क्योंकि एक अध्यक्ष बनना 15 उनके साथ में पदाधिकारी बनना है, उसमें 16 लोगों की टीम है, तब 16 की जगह अगर 1600 भी बनाए तो वो कम है। तो इसलिए हमारा संगठन से अनुरोध है कि जिसको पद मिल जाए कमेटी के माध्यम से वो स्वीकार करें, उसको काम करें, और जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो और ज़्यादा एक मजबूती के साथ काम करें, जिससे कहीं जो नहीं लगे कि कभी कौन अध्यक्ष बन जाए, कब कौन महामंत्री बन जाए, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कब कौन क्या बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। सब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कानपुर के जो हमारे परम सम्मान जो राष्ट्रपति जी है वो कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने टिकट मांगा था लोकसभा में, कहा उनका टिकट ही मिला, लोकसभा का उनको टिकट ही मिला, तो हस्तात्व के घर बैठ गए। सही कहता है जी, जब हताश हुए को घर बैठ गए कानपुर के में, फिर उसके बाद उनको मोदी जी ने बुलाया, बोले आप जाओ राज्यपाल बन जाओ, बिहार की राज्यपाल बना दिया, बोले जाओ आप राष्ट्रपति बन जाओ, अपनी मैंने सांसद का टिकट नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रपति बने और राज्यपाल बने। इसलिए हमारा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पद संगठन दायर हमको आपको समाज सेवा करने के लिए मिलते हैं, पार्टी काम करने के लिए मिलते हैं, आते जाते रहते हैं, जो हमारे परम सम्मानी हमारे मंत्री जी हैं, सभी वरिष्ठ लोग विराजमान हैं, अपने सभी लोग मार्गदर्शन में अच्छी टीम। दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।